क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को उसी के घर में वनडे सीरीज में 4-1 से बड़ी मात दी और अब बारी T20 सीरीज की है। लेकिन इस बीच टीम इंडिया की जीत के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धोनी और चहल के बीच चोर पुलिस का खेल चल रहा है। तो अंत में आपको इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो पांचवा वनडे जीतने के बाद सभी खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन करा रहे थे और इसी दौरान अचानक महेंद्र सिंह धोनी दौड़ते हुए फ्रेम में आ गए और उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे युजवेंद्र चहल। धोनी और चहल इतनी तेजी से भागते हुए आए कि समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या और क्यों हुआ। धोनी तेजी से भागते हुए आगे निकल गए और चहल को पीछे छोड़ दिया। धोनी चहल को इशारा करते हुए तुरंत मैदान से बाहर भी भाग गए। तो असल में इसकी वजह थी चहल टीवी। जी हाँ, इन दिनों युजवेंद्र चहल BCCI के लिए चहल टीवी नाम से इंटरव्यू करते हैं, जिसमें वो अब तक विराट कोहली, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव के इंटरव्यू ले चुके हैं और इस बार चहल धोनी का इंटरव्यू लेना चाहते थे। मगर धोनी इंटरव्यू देने से अक्सर बचते हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब चाहे वो मीडिया हो या फिर टीम का कोई साथी, धोनी को इंटरव्यू देना गवारा नहीं होता और इसीलिए माही इंटरव्यू देने से बचते हुए वहां से भाग गए। अब इसका वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, तो आपको भी इसका पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और हाँ, धोनी और चहल के इस चोर पुलिस खेल पर कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।